अजनबी हम सफर। मुझे अपना वादा याद है, मैंने वकील से बात कर ली है, वो आपको तलाक के पेपर्स भेज देगा। मैं चलती हूँ। एक मिनट रिलीज है, अपना काम होते ही चल पड़ी। तो इस तलाक के बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बदले में बस मुझे तुमसे माफी चाहिए, मैंने तुम्हें वाकई बहुत गलत समझा। जो लड़की अपने बाप की खातिर एक अनजान शख्स से शादी करने को तैयार हो जाए, वो कितनी बाकिरदार होगी कि मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया लिसा, और तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, और कुदरत ने मुझसे इस चीज का ऐसा इंतकाम लिया कि आज मैं तुम्हारे सामने मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं, तुम ठुकरा रही हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। मैं वाकई बहुत पछता रहा हूं। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना अलीसा, तो मेरे जमीर पर बहुत बोझ रहेगा। मैं इस मोहब्बत के दर्द के साथ तो जी लूंगा, लेकिन इस गुनाह की नदामत मुझे जीने नहीं देगी। मुझे माफ कर दो। तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, जैसे मैंने अपना हक का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ रहने से इनकार किया, ऐसे ही तुम्हें भी पूरा हक है। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस अपने वादे पे कायम रहिएगा। अलीज़े, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। आज तो मान जाओ अलीज़े, पहले तो मैं तुम्हारे लिए अजनबी था, अब तो वो इशू भी नहीं है। अपने शोहर के साथ पहली और आखिरी दफा गाड़ी में बैठ जाओ। मैं चली जाऊंगी। अब आप यहाँ क्यों आए? आप तो मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर चुके थे। ताल्लुक खत्म क्या था, रिश्ता नहीं। मैं बहुत अकेला हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। आपको कब से किसी की जरूरत महसूस होने लगी? आपके लिए तो आपकी दौलत ही सबसे अहम है, रिश्तों से भी ज्यादा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं एक लालची, खुदगर्ज और मुनाफिक इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं पहले ही अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल आपके साथ बर्बाद कर चुकी हूँ, मगर अब नहीं। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं।
ये लालची, खुदगर्ज और मुनाफिक, ये तुम्हारा शौहर भी तो है, क्या उसे सुधरने का एक मौका नहीं दोगी? मैं तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें कोई कमी नहीं थी, मैं ही वो बदनसीब इंसान हूं जो बाप बनने के लायक नहीं है। जानती हूं। तुम्हें कैसे पता? उस रोज जब मैं किंजा की प्रॉपर्टी की फाइल ढूंढ रही थी, उसमें से मुझे एक फाइल मिली जिसमें आपकी रिपोर्ट थी। मुझे तो उसी दिन पता चल चुका था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि आप बाप नहीं बन सकते, बल्कि इस बात का दुख हुआ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। मियां बीबी तो एक दूसरे के राजदार होते, अगर आप मुझे ये बात बता देते तो मैं कभी आपसे औलाद का जिक्र तक नहीं करती। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा करता रहा। मुझे लगा कि मैं अपनी दौलत से अपनी इस कमी को छुपा लूंगा, लेकिन अब एहसास हुआ कि इंसान दौलत से सब कुछ नहीं खरीद सकता। अल्लाह ने मेरे जैसे इंसान को औलाद नहीं दी क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूं। ये ऐसी नेमत है जो मैं थोड़ा सा भी हासिल कर सकता। मैं आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया, मुझे माफ कर। मेरे माफ करने से क्या होता है? माफी तो आपको अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह भी तब माफ करता है जब बंदा माफ करता है। किंजा की प्रॉपर्टी मैंने उसके बेटे के नाम कर दी है क्योंकि उस पर सिर्फ उसका हक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलता हूं। रुके, मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम वापस जा रहे हो मुझे छोड़कर? पापा, फिलहाल मेरा यहां से जाना ही जरूरी है। बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। प्लीज फिलहाल मुझे जाने दे। यहां रहा तो उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते मैं इस वक्त किस हजियत में हूं। सब जानता हूं, काश मैं कुछ कर सकता तुम्हारे लिए। पापा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो कोई और क्या करेगा? ठीक है, कब है फ्लाइट? कल की। हाँ, मैंने वकील को भी बोल दिया है कि अली से को तलाक के पेपर्स भेज दे। कुछ मत कहिएगा प्लीज। कल तुम्हारे भाई का निकाह है और मैं चाहता हूं कि जैन और तुम्हारा रिश्ता कल ही पक्का कर दो। बेटा, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं अभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि तुम ये रिश्ता कबूल कर लो। जैन से बेहतर रिश्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम सोच लो, तुम्हारा जो भी फैसला हो कल निकाह से पहले मुझे बता देना ताकि मैं
उन लोगों से बात कर सकूं। बस यार रमीश, अब तुम वापस आ जाओ, मैं अब यहां एक पल नहीं रह सकता, मेरा दम घुटने लगा है। तुम आओ और आकर अपना बिजनेस संभालो, वरना अपने साथ में तुम्हारा बिजनेस भी तबाह कर दूंगा। मेरी अब सब उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, कुछ नहीं रहा। हाँ मैं निकल रहा हूँ बस यहाँ से, और कल तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ यार कुछ दिन रहूंगा, बस निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? लौट जा रहा हूँ थोड़े काम दोस्त के पास। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुबह तुम्हारा निकल है, तुम लाहौर जा रहे हो? जानता हूँ इसलिए जा रहा हूँ। ये क्या हरकत है? मैं वही कर रहा हूँ जिसका मुझे कई महीनों से इंतजार था। जब कल निकाह के वक्त उन लोगों को पता चलेगा कि मैं ये शहर छोड़ गया हूं तो उनकी हालत देखने वाली होगी। तब उनको एहसास होगा उस तकलीफ का जिससे तुम, मैं और अम्मी अब्बू गुजरे थे। फिर उन्हें पता चलेगा कि जब ऐन वक्त पर बारात नहीं आती ना तो लड़की वालों पर क्या गुजरती है। अपने सीने की आग बुझाने के लिए तुम बाकी सबको आग में झोंक दोगे, इतने खुदगर्ज हो तुम। खुदगर्ज लोगों के साथ खुदगर्ज बनना पड़ता है एलिज़े, और तुम मुझे क्यों रोक रही हो? इस वक्त मैं तुम्हारी कोई इमोशनल बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। शहीर तुम कहीं नहीं जाओगे। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें अम्मी अबू के बारे में नहीं सोचा? उन्हें तुम्हारी वजह से किस किस से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम उन्हें लोगों के सामने रुसवा होने के लिए छोड़ दोगे? क्या सोचूं उन लोगों के बारे में? कुछ अरसे बाद जब वापस आऊंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे जैन के वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया उनके घर में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे उनको तो छोड़ो, हमारे अब्बू इतने ठीक हो गए कि तुम्हारी और जैन की शादी का फिर से सोचने लगे। और ईमान, उसका क्या होगा? उससे तो मोहब्बत करते हो ना, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था? जैन से बदला लेने के लिए ईमान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम कितने बेहस हो गए, जैन से इंतकाम लेने के लिए ईमान की खुशियों को कुर्बान कर रहे हो। ऐसा मत करो शहीद, मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत तो उस पर चाहिए लगती। मैं इस अजियत से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ उसके दिल से क्या गुजरेगी। बस दो मिनट के लिए सोचो, इस सब में उसका क्या कसूर? उसका कसूर यह है कि वो जैन की बहन है। वो तुम्हारी होने वाली बीवी भी है। खुदा के लिए ऐसा मत करो शहीद। ये बताओ तुम में और जैन में क्या फर्क है जैन? और तुम होते कौन हो उससे बदला लेने वाले? जब मेरा बाप सलामत खड़ा हुआ है मेरे सर पर और उसने माफ कर दिया है जैन को, तुम कौन होते हो? अलीज़े तुम नहीं जानती, जब तुम दुखी होती थी तो मैं कितना अज़ियत में होता था। कैसे छोड़ दूँ शख्स को कि तुम्हारा मुजरिम है? इन बातों को भूल जा और सिर्फ अपनी मंगेतर होने वाली बीवी के बारे में सोचो। अगर तुमने ईमान के साथ जरा सी भी ज्यादती की, मैं तुम्हारा मुंह भी देखूंगी। मैं तुम्हें अपना भाई तस्लीम नहीं करूंगी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। सोच लो। शहीर तुम कहीं नहीं जाओगे। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें अम्मी अबू के बारे में नहीं सोचा? उन्हें तुम्हारी वजह से किस किस से माफी मांगनी पड़ेगी? तुम उन्हें लोगों के सामने रुसवा होने के लिए छोड़ दो। और ईमान, उसका क्या होगा? उससे तो मोहब्बत करते हो ना,
उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। अगर तुमने ईमान के साथ जरा सी भी जाना, मैं तुम्हारा मुंह भी देखूंगी। मैं तुम्हें अपना भाई तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। सोच लो। मैं चाहता हूं कि जैन और तुम्हारा रिश्ता कल ही पक्का कर दो। बेटा ये मेरी ख्वाहिश है। जैन से बेहतर रिश्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम सोच लो, तुम्हारा जो भी फैसला हो कल निकाह से पहले मुझे बता देना। और तुम मुझे क्यों रोक रही हो? इस वक्त मैं तुम्हारी कोई इमोशनल बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जा रहा हूं। कुछ अरसे बाद जब वापस आऊंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैन के वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया उनके घर में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे उनको तो छोड़ो, हमारे अब्बू इतने ठीक हो गए कि तुम्हारी और जैन की शादी का फिर से सोचने लगे। पापा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम। अगर मैं तुम्हें मजबूर ना करता लीजे से निकाह करने के लिए तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। नहीं पापा, आपका कोई कसूर नहीं है। अरे मुजरिम तो मैं हूं, आप कभी और अली से कभी। आपकी बात नहीं मानी मैंने, अलीजे का भी बहुत दिल दुखाया। यार, तुम्हारे बगैर कैसे रह सकूं? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा पापा। मैं जानता हूं अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। अरे तुम आप मेरे पास आ जाइएगा ना पापा, मेरा यहां रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि दूर रहकर शायद मैं सब कुछ भुला दूंगा। यहां रहकर नहीं हो सकता। सोचा तो कुछ और था तुम्हारे लिए, अगर हो कुछ और गया तो मेरी होकर भी नहीं हो सकी पापा। आप देखिए ना, इससे ज्यादा मेरी बदकिस्मती क्या हो सकती है। शायद यही मेरी सजा है। पता नहीं क्यों मुझे अब भी एक उम्मीद सी है। आपको इसलिए उम्मीद है क्योंकि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। पर सच तो यह है पापा कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। एक आखिरी रिश्ता था, वो भी चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। चलता हूं मैं।
माशा बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन। तुम लोग तो बाहर आओ, बारात आने वाली है, इस्तकबाल नहीं करना। खाने का बंदोबस्त भाई देख लेना, वो आपके सवाल है, ठीक है? और आपने लाइटिंग कर दी है, बाकी इंतजाम भी देख लेना जो बाकी बचे, ठीक है? वो बाहर जो सामान वगैरह लगना है वो भी लगा दो। चाहे जैन, इंतजाम हो गए पूरे बेटा? हाँ जी अम्मी, तकरीबन। भाई साहब से बात हुई थी रास्ते में, बस पहुँचने वाले, बहुत खुश थे। मुझे लगता है आज वो तुम्हारे और अलीजे के रिश्ते की खुशखबरी सुनाएंगे। अलीजे मान गई? मान ही गई होगी, बहुत खुश थे भाई साहब। और मानते क्यों नहीं, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी होने वाली थी तुम दोनों की। मैं सोची हूँ अलीजर फवाद की तलाक के बाद जैसे ही अलीजे की इद्दत पूरी होगी मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूँ, और आज ही अलीजे को तुम्हारे नाम की अंगूठी पहना दूँ। जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं इंतजाम देख लूँ। ठीक है। अम्मी अलीजे कहाँ है? हाँ बुलाओ ना उसे, निकलना है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाई आप लोगों को तो पता है लड़कियों की तैयारी में कितना टाइम लगता है, और आज आखिर उसके इकलौते भाई की शादी है तो दिल से तैयार हो रही होगी। अच्छा मैं देख कर आती हूँ। तो तैयार नहीं हुई बेटा? वो आप लोग निकले, देर हो रही है, मैं जरा नहीं आ सकती साथ। क्यों नहीं जाओगी बेटा, तुम्हारे भाई की शादी है। अबू आप लोग निकले, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे, देर हो रही है आप लोगों को। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके? शहीद प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं नहीं जा सकती, समझने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा हम आ जाएंगे और सब लोग तुम्हारा पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कुछ भी कह दीजिएगा, बस प्लीज आप लोग जाएं। अच्छा भाई वो लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तो चला। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ, याद रखना। जिसको चाह सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। बारात आ गई, हमारा दूल्हा बहुत प्यारा लग रहा है, जोड़ी तो बहुत ही कमाल है। भाभी अलीजे नहीं आई? नहीं, ओ, उसके भाई की शादी थी, आना चाहिए था ना उसे। वो बस ऐसे ही नहीं आई। निकाह का इंतजाम करते निकाह खान को बुला ले। जी भाई साहब।
मैं भी बुलाता हूं। जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ निकाह शुरू होने वाला है, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। जैना, तुम किसे फोन कर रहे हो इस वक्त बेटा? क्यों परेशान हो रहे हो? अलीजे को फोन कर। क्यों? पूछना चाह रहा था कि वो शादी में क्यों नहीं आई, कहीं मेरी वजह से तो नहीं है। उसको तुम बाद में फोन कर लेना, इस वक्त निकाह में शामिल हो चलकर। चलो अबू, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको अपना फैसला आज सुना दूं कि मैं अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती हूँ। तो मेरा फैसला ये है कि मैं फवाद की बीवी हूँ और मैं ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। मैं ऐसे शख्स पे एतबार नहीं कर सकती जो एक बार मेरा एतबार तोड़ चुका हूँ। जो इंसान ऐसी चीज एक दफा कर सकता है वो दोबारा भी करेगा। जैन ने मेरे साथ जो कुछ किया जानबूझ के किया। वो जानता था कि मैं उससे मोहब्बत करती थी और फिर भी मुझे छोड़ दिया। फवाद ने जो किया अनजान में किया। इन्होंने मेरे साथ कोई बेवफाई नहीं की, तो मेरे लिए इनसे बेहतर कोई और लाइफ पार्टनर है ही नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आज एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ खड़ी हूँ।
पापा तू गए नहीं अभी? तू बोल क्यों नहीं रहे कुछ? अंदर आ जाओ। अलीज़े, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं पापा, आप ख्वाब नहीं देख रहे, बल्कि अलीज़े की सूरत में आपके सामने मेरे ख्वाब की ताबीर खड़ी है। बेटा, बेटा तुम्हारी मोहब्बत जीत गई, अब बताओ, ठीक कहता था ना मैं, अलीज़े से अच्छी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती। सही कह रहे हो पापा, काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती, ताकि आपकी बहू जो है ना वो मुझसे इतनी माफिया नहीं मंगवाती। अब ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटी तुम लोग बैठो, मैं मिठाई लेके आता हूं। बैठो बैठो। थैंक यू सो मच अलीज़े, मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर भरोसा करने के लिए। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, और आप तो एक और दफा मुझे छोड़ के भागने वाले थे। उस वक्त आपने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? तुमसे नहीं, खुद से भाग रहा था, क्योंकि खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता था। मेरी जमीर की अदालत मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी, और अलीज़े तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए सजा से कम की बात नहीं थी। मैं तो खुद को तुम्हारी मोहब्बत की जंजीर में बांध कर कैद कर देना चाहता हूं, उम्र कैद जिसकी कोई रिहाई ना हो। बताओ, बनाओगी अपना कैदी? बस अलीज़े, क्यों ही मुस्कुराती रहना? तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्या मायने रखती है, मेरी चारों तरफ रंग बिखेर देती है। आज ना मैं खुद को दुनिया का खुश नसीब इंसान समझ रहा हूं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अलीज़े, मैंने जिंदगी में कोई भी चीज पाने की इतनी ख्वाहिश नहीं की जितना तुम्हारे साथ की है। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश। अब क्या मैं ही बोलता रहूंगा कि तुम भी कुछ बोलोगी? नहीं नहीं, आपको अंदाजा नहीं है, आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बस सुनते हुए इतना अच्छा लग रहा है। पता नहीं, बस मेरा दिल कह रहा है कि आपके मुझसे जो लफ्ज निकल रहे हैं, मैं बस आंखें बंद करके उन पर एतबार करूं। यही मोहब्बत और एतबार हमेशा कायम रखे। मैं नहीं जानती कि मुझे आपसे मोहब्बत कब हो गई, कैसे हो गई, ना चाहते हुए हो गई। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता था, और अब हमारी मोहब्बत की वजह से मजबूत हो गया है। और जानते हैं, मैं हमेशा अपने आप को बदकिस्मत कहती थी, और आज मुझे उसी किस्मत पे इतना रश्क आ रहा है, क्योंकि आप और आपकी मोहब्बत मेरा साथ है। Thank you.
अजनबी हम सफर।